लास्ट वीडियो में आप लोग को पोलर रीजन और वहां पे रहने वाले एनिमल्स के बारे में बताया गया था, उनके अडेप्टेशन के बारे में, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, कैसे एनिमल्स का बॉडी होता है अडेप्टेड रहता है, कैसे वहां पे वो रहते हैं, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताया गया था। अब जो पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल रीजन के बारे में, जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता हो, बारिश भी होती हो, सूरज भी सही तरीके से उगता हो। टेम्परेचर देखिए, ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर होता है दिन के समय में 30 डिग्री टू 35 डिग्री होता है, एंड नाइट के समय में 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं और वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, इसके बारे में अब पढ़ना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल। द टोटल रेनफॉल इन द ईयर रेंजेस बिटवीन 1500 एंड 2500 मिलीमीटर, नो ड्राई सीजन एट ऑल। It rains almost every day. The temperature during the day is around 30 degrees Celsius to 5 degrees Celsius, but at night it falls down to between 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. वही चीज बताया गया है। ऐसे रीजन में हमेशा क्या होता है, बारिश अक्सर होते रहता है। बारिश की जो मेजरमेंट होती है क्या होती है, 1500 to 2500 मिलीमीटर होती है अक्सर हर दिन। समझिए यहाँ पे क्या होता है, बारिश होते रहता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सनलाइट, गुड रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। दे सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ लाइट टू अवॉइड स्ट्रगल फॉर फूड। द एनिमल्स कन्फाइन देमसेल्व्स टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट आर डिस्कस्ड। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ सर्वाइव करते हैं इस फॉरेस्ट में। यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके तीन लेयर होते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है उसे हम इमर्जेंट कहते हैं, सेकेंड लेयर जो होता है कनोपी होता है, एंड थर्ड लेयर क्या होता है, अंडर स्टोरी होता है। फर्स्ट लेयर जो होता है इमर्जेंट, वहां पे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल जितने भी पेड़ होते हैं वो इमर्जेंट लेयर में आते हैं। सेकेंड लेयर कैनोपी, श्रब्स होते हैं, झाड़ीदार पौधे होते हैं जो थोड़े मॉडरेट मिडल पे होते हैं, छोटे होते हैं, वो कैनोपी में आएंगे। एंड छोटे छोटे पौधे बिल्कुल जो हर्ब्स ले लीजिए या फिर कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं पौधों की, वो कहाँ रहते हैं, अंडर स्टोरी में रहते हैं। तो इस रीजन्स में इमर्जेंट में कैनोपी में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। इमर्जेंट आर द टॉलेस्ट ट्रीज आर एंड आर यूजुअली ओवर 50 मीटर्स टॉल। देयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टॉल ट्रीज, द कैपोक ट्री इज द एग्जांपल ऑफ द इमर्जेंट। द एनिमल्स यूज द टॉल ट्रीज एंड अंडर स्टोरी एज शेल्टर, हाइडिंग प्लेस एंड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। तो इमर्जेंट हमने चूंकि आपको बताया कि सबसे जो विशाल विशाल लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, टॉल जितने भी ट्रीज होते हैं वो इमर्जेंट लेयर में आते हैं। वहाँ भी आपके कई सारे एनिमल्स रहते हैं, सिंपल सी बात है, बर्ड्स रहती होंगी टॉल ट्री पे, वहाँ पे अपना शेल्टर बनाते हैं, खुद को वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, छुपाते हैं दूसरे प्रीडेटर से, छुपाते हैं कहाँ पे, टॉल ट्रीज पे, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सेकेंड जो लेयर होता है हमने बताया था कैनोपी, द लीव्स ब्लॉकिंग आउट द सन फ्रॉम द लोअर लेयर इज कॉल्ड द कैनोपी। द कैनोपी कंटेन्स ओवर 50% ऑफ द रेन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। दिस इंक्लूड्स बर्ड्स, स्नेक्स, मंकीज, लायंस क्लाइम टू द कैनोपी टू रीच सनलाइट। कैनोपी में आपके कौन कौन से पौधे आ रहे थे, जो मिडल हाइट के थे, जो टॉल ट्रीज से थोड़े छोटे होंगे, श्रब्स जितने भी होते हैं और भी कई सारे ट्रीज होते हैं जो ज्यादा लंबे नहीं होते, वो किस में आएंगे, कैनोपी में आएंगे। कैनोपी क्या होता है, 50% वाइल्ड लाइफ कवर करता है इस फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 50% जो वाइल्ड लाइफ होता है वो कौन कवर करता है, कैनोपी कवर करता है। इसमें इस रीजन में इस कैनोपी वाले पौधों पे कौन रहते हैं, मंकीज रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। यहाँ पे आपका सनलाइट पहुँचता है जितनी ज़रूरत होती है, टोटल अमाउंट में पहुँचता है। लेकिन अगला जो आपका लेवल है अंडर स्टोरी, यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बता रहा है, दी प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स, यहाँ के जो लीव्स होते हैं कितने चौड़े होते हैं, ताकि जितना पॉसिबल हो सके वो किसी ना किसी एरिया से सनलाइट को ट्रैप कर सके, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट क्या होता है, बहुत ही कम पहुँचता है।
ऐसे लेवल को हम क्या कहेंगे, अंडर स्टोरी कहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं। और लेवल पे कौन सारे एनिमल्स, लायन, टिल्ड मैकैक्स, जैगुआर्स, रेड आइड ट्री फ्रॉग्स एंड लियोपार्ड्स कहाँ होते हैं, इस लेयर में होते हैं। लेयर का क्या नाम है, अंडर स्टोरी। तो तीन आपका लेयर होते हैं, फर्स्ट वन इज इमर्जेंट, सेकेंड वन इज कैनोपी एंड द थर्ड वन इज अंडर स्टोरी। इमर्जेंट में आपके विशाल विशाल जितने भी पेड़ होंगे, बड़े बड़े जो लंबे पेड़ होंगे, टॉलेस्ट ट्रीज, वो किसमें आएंगे, इमर्जेंट लेयर में आएंगे। जो श्रब्स होते हैं, मॉडरेट ट्रीज होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, वो किसमें आएंगे, कैनोपी में आएंगे। और जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं वो अंडर स्टोरी में आएंगे। बिलो द अंडर स्टोरी इज द फॉरेस्ट फ्लोर, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ रॉटिंग लीव्स एंड डेड एनिमल्स कॉल्ड लिटर। दिस डिकम्पोजेस रैपिडली विदिन 6 डेज टू फॉर्म लेयर ह्यूमस टू रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अंडर स्टोरी से सिंपल सी बात है, फ्लोर आएगा फॉरेस्ट का, जहाँ से आपका पेड़ पौधे उगे हुए हों, तो वहाँ पे क्या रहते हैं, रॉटेन लीव्स, मतलब कि जो लीव्स ख़त्म हो चुके हों, डेड हो चुके हैं, वो वहाँ पे गिरे रहते हैं और वो डिकम्पोज होते रहते हैं हर 6 हफ्तों में। और डिकम्पोज करके क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे ज़मीन को, जिस पे सॉयल पे उगे हों, तो सॉयल पे, अदरवाइज जो भी मटेरियल। आपका है एनिमल्स जो इस रीजन में रहते हैं उनका क्या होता है एडेप्टेशन, लायन फील्ड में कैक के बारे में दिया हुआ है, रेड आई फ्रॉग बॉड एंड एशियन एलिफेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लायन टेल्ड मैकैक, लायन टेल्ड मैकैक लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन ट्री टॉप्स वेयर दे फाइंड फूड एंड सेफ्टी। दे हैव अ सिल्वर वाइट मेन विच राउंड द हेड from the cheeks down to its chin and its name beard ape. Such animals are called arboreal animals. These animals eat fruits, nuts, seeds, leaves and insects. तो lion tailed macaque के बारे में आपने पढ़ा कि वो कहाँ पे थे? सबसे topmost में रहते हैं, ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। ये क्या है? एक प्रजाति है ape की, बानरों की। क्या है? प्रजाति है lion tailed macaque। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स, हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स ये रहते हैं। अपना ज़्यादातर समय ये टॉप मोस्ट, मतलब कि पेड़ के ऊपर ही गुजारते हैं, वहाँ उन्हें फूड मिल जाता है। फूड में क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को भी ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। लायन टेल्ड मैकैक वो क्या है? वानरों की प्रजाति है एक, लायन टेल्ड मैकैक। ऐसे एनिमल्स को देखिए क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स, जिनमें क्या हो, बियर्ड हो। देखिए यहाँ पे लायन टेल्ड मैकाक क्या एक खासियत दी हुई है कि उनके चीक्स के चारों तरफ, देखिए फिगर भी दिया हुआ है लायन टेल्ड मैकाक की, चारों तरफ क्या होगा हुआ है, बियर्ड, दाढ़ी उगी हुई है। तो ऐसे एनिमल्स कहते हैं एर्बोरियल एनिमल। और ये खाते क्या है? फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड लीव्स, फल खाते हैं जो उन्हें पेड़ पे मिल जाता है। चूंकि ये पेड़ के ऊपर रहते हैं तो पेड़ पे उन्हें फल मिल जाता है, पत्तियाँ मिल जाती है, कीड़े मिल जाते हैं, इसे फीड करते हैं। तो ये लायन टेल्ड मैकाक के बारे में था। अब जो नेक्स्ट एनिमल के बारे में दिया है वो है आपका रेड आई ट्री फ्रॉग। नाम से ही मालूम चल रहा है कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। फ्रॉग के बारे में आपने सुना होगा कि वो ज़्यादातर पॉन्ड्स में रहते हैं, लेकिन ये फ्रॉग, इसका नाम ही दिया हुआ है रेड आई ट्री फ्रॉग, इट मीन्स ये कहाँ रहते होंगे, पेड़ पे रहते होंगे। द रेड आई ट्री फ्रॉग लिव ऑन ट्रीज, इट हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट to help climb trees. It has bright green body with blue sides and pale yellow stripes, which helps in camouflaging. It has keen eyesight and sharp sense of hearing. It helps hunting for food and protecting it from being hunted. तो region के basis का adaptation कैसा होता है? Pad जो उनके पैर होते हैं, ऐसा adapted रहता है, sticky, चिपकने वाला होता है, ताकि वो आसानी से पेड़ पे चढ़ सके। इनकी जो कलर होती है बहुत ही ब्राइट होती है, ग्रीन कलर का बॉडी होता है, साथ में येलो स्ट्रिप्स, येलो कलर की धारियां होती हैं, तो इन्हें मदद करती है कैमोफ्लेजिंग के लिए और हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। ये एनिमल है तो चूंकि सिंपल सी बात है ऑर्गेनिज्म है, तो ये जिंदा रहने के लिए खाना खाएंगे। तो एडेप्टेशन इनका होता है शरीर के ऐसे ही, ताकि वो जिस रीजन में रहते हो उस रीजन में आसानी से वो शेल्टर अपना बना सके और
फूड आसानी से वो प्राप्त कर सके। तो इसकी बॉडी ऐसी रहती है जैसे कि वो आसानी से फूड प्राप्त कर सके। इसके पैर में हमने बताया कि स्टिकी होता है, पत्तियों पे पेड़ पे रखते हैं तो वो चिपक जाता है, इससे वो आसानी से पेड़ पे चढ़ जाते हैं। इनका लाइफ जो स्पैन होता है पेड़ पे होता है, इसलिए ऐसा होता है इनके पैरों में। तो एडेप्टेशन होता है हर एनिमल्स के, हर प्लांट्स के एडेप्टेशन होता है अपने रीजन के बेसिस पे, ताकि वो अपने रीजन में इजिली सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट एनिमल है वो आपका चिकन बर्ड। चिकन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कलरफुल, विच ईट्स अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। चिकन्स हैव अ लॉन्ग कलरफुल बीक विच मेजर्स मोर देन द हाफ द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। दिस हेल्प्स चिकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। देयर मेन डाइट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स एज वेल एज यंग बर्ड्स एग्स एंड लिजार्ड्स। तो चिकन क्या है, एक बर्ड का नाम है। चिकन बर्ड इज अ बर्ड जिनकी बीक्स जो होती हैं उनके शरीर से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। देखिए फिगर भी दिया हुआ है टूकेन बर्ड का, इनके बीक्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं शरीर के, ताकि ये आसानी से उस साइड पे जो पेड़ क्या होंगे फल होंगे उसे वो आसानी से तोड़ सके दूसरे ब्रांचेस पे बैठ के, ताकि अगर वो आगे जाएंगे तो सिंपल है, वो वीक होगा तो वीक के पास तो ये रुकेंगे नहीं। इसलिए इनका वीक क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। इनके शरीर में बड़े बड़े वीक होते हैं, इनके बॉडी से बड़े होते हैं ताकि इजिली अपने खाने को वो कैच कर सकें। अब देखिए खाते क्या क्या है, फ्रूट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, यंग बर्ड्स छोटे अपने से छोटे बर्ड्स को भी खाते हैं, अंडों को भी खाते हैं, छिपकलिया को भी खाते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल है वो आपका एशियन एलिफेंट। हाथी तो आप लोग अक्सर देखे होंगे अपने एरिया में, ऐसे हाथी जो आप देखते हैं अपने एरिया में वो एशियन एलिफेंट ही होते हैं। उनका जो असल लिविंग स्टॉक जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही होता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एशियन एलिफेंट इज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। इट इज वेरी सेंसिटिव ट्रंक एंड एक्सेप्शनल सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। द हियरिंग इज नॉट ओनली थ्रू द ईयर्स बट ऑल्सो थ्रू द ट्रंक एंड द फीट इज सेंसिटिव। एशियन एलिफेंट्स में आप लोग ट्रंक देखे होंगे, एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, हिंदी में सूंड कहा जाता है। तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड होता है, अपर जॉ होता है। आपके माउथ में एक अपर जॉ होगा, एक लोअर जॉ होगा, वैसे ही इनमें जो अपर जॉ होता है अपर लिप्स कहते हैं। तो अपर लिप्स एंड नोज जिसे हम नाक कहते हैं वो मॉडिफाइड रहते हैं एक में, और वो मॉडिफाइड को क्या रहते हैं, ट्रंक रहती है, इसे हम सूंड कहते हैं। तो वो नोज का भी वर्क उसी से करते हैं, और कई सारे पेड़ पौधों को खाने के लिए उससे उखाड़ते हैं या फिर रास्ता क्लियर करते हैं, तो वो ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं दोनों में, माउथ के लिए भी और नोज के लिए भी। में देखिए क्या होता है, सेंसिटिव सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल होता है। ये बहुत बेहतर तरीके से सूंघते हैं एंड सुनते भी हैं। अभी देखिए एक स्पेशल थिंग होता है हाथियों के अंदर कि वो अपने लेग से भी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। साउंड में क्या होता है, वाइब्रेशन फॉर्म होता है, वेव्स फॉर्म होता है। तो उनमें ये एक स्पेशल थिंग होता है कि वो अपने लेग जिसे हम पैर कहते हैं उससे भी वो वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, अपने सूंड से भी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। ये सिर्फ कान से नहीं सुनते हैं, ये अपने सूंड ट्रंक से भी सुनते हैं और लेग से भी सुनते हैं। द ट्रंक इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अपर लिप एंड नोज विच हैज अदर यूजेस टू। इट हेल्प्स देम ब्रीथ इवन व्हाइल दे आर स्विमिंग और वॉकिंग अंडर वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स देम अपरूट ग्रासेस प्लांट्स नॉट ओनली द ईटिंग बट ऑल्सो टू पुश देयर वे थ्रू फॉरेस्ट। जो हमने बताया वही चीज़ आप लोग को यहाँ लिखा गया है कि वो ट्रंक का किस में इस्तेमाल करते हैं। ट्रंक का इस्तेमाल हमने अभी भी बताया कि हियरिंग में भी करते हैं, ब्रीथिंग में भी करते हैं, एंड खाने के लिए जो पेड़ को उन्हें उखाड़ना रहता है उसमें भी उस ट्रंक का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। के साथ ही आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप लोग कोशिश करें खुद से करने के लिए, क्वेश्चन सर है वो आप लोग को करके भेज दिया जाएगा। ओके देन गुड बाय एंड सी यू।